चले जाते हैं। वहीं यदि हम पुरुषों को देखते हैं कि जब वो फैशन में आते हैं तो उनके कपड़े बढ़ जाते हैं, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति जो कपड़े पहनता है वो क्या पहनेगा, कोई धोती कुर्ता जो गांव के लोग होते हैं, या कहें कि शहर के होंगे तो टी शर्ट पैंट आदि पहनेंगे। हाँ, उनका पैंट नीचे जा रहा पर टी शर्ट उनकी लंबी रहती है, लेकिन और कुछ फैशन की तो कुर्ता आदि पहनेंगे, कुछ जोधपुरिया सूट ऐसा कुछ पहनेंगे तो कुर्ता आदि पहना तो उसमें चुन्नी भी डाल लेंगे, अर्थात उनके कपड़े बढ़ जाते हैं। जब पुरुष फैशन करता है तो उनके कपड़े बढ़ जाते हैं, और जब महिलाएं फैशन करती है तो उनके कपड़े धीरे 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 छोटे 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 होते चले जाते हैं। तो आप एक बात अनुमान लगाइए कि लज्जा किसमें अधिक है। यदि पुरुषों में स्त्रियों में लज्जा अधिक होती तो सिर ढकना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। और यदि शरीर खुल रहा है तो कहाँ है लज्जा, क्योंकि लोग यह दोष देते हैं। मेरा एक मित्र है, वो कहता है कई बार कि जब मुझे कोई ऐसा ऐसी महिला दिखती है तो मैं उसे बड़े ध्यान से देखता हूँ जिसके गले बड़े हों। ऐसी महिलाओं को बोले ये ब्लाउज कपड़ों के गले बड़े हों तो मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ। न का क्यों बोलते हो, जब उन्होंने दिखाने के लिए पहना तो हम क्यों ना देखें। सही बात है, आपका लक्ष्य तो है लोगों को आकर्षित करना, तभी तो आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। क्योंकि मुझसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं, आप इतनी बड़ी पूरी पूरी बांह के कपड़े कैसे पहन लेती हैं, इतनी गर्मी भी आप कैसे पहनते हैं। मित्रों, मुझे अपने शरीर को ढक कर रखना अच्छा लगता है। मेरे वीडियो पर बहुत अलग अलग टिप्पणियां, मित्र मुझे बड़े हंसी आती है कुछ बातों पे। महिलाएं टिप्पणी करते हैं कि आप इतने बंद कपड़े कैसे पहन सकते हैं, और पुरुष टिप्पणी करते हैं कि आपके कपड़े अच्छे लगते हैं, है ना अजीत। मित्रों, महिलाएं ऐसा क्यों सोचती हैं कि जब तक उनका शरीर दिखेगा नहीं, खुलेगा नहीं, तब तक तो उनके कपड़े खुले नहीं होंगे, और पुरुष ऐसा क्यों नहीं सोचता। महिलाएं क्यों सोचती हो तंग कपड़े पहनेंगी तो ही वो अच्छी लगेंगी, पुरुष ऐसा क्यों नहीं सोचता। कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं, ना कि कपड़े तन को विकृत रूप से दिखाने के लिए होते हैं। और हमने आज अधिकांश देखा है, अधिकांश महिलाएं जो कपड़े पहनती हैं, फैशन के नाम पर कहो, आधुनिकता के नाम पे कहो, किसी भी नाम पे कहो, वो तन ढकने से ज्यादा तन दिखाने के लिए कपड़े पहनती हैं। मित्रों, यदि तन ढकने की बात है, इस देह को काया को ढकने की बात है, तो जब तक आप ठीक से कपड़े नहीं पहनेंगे तब तक वो शरीर ढका नहीं जाएगा। और रही बात फैशन की और आप कहें कि आधुनिकता की, मित्रों ये आधुनिकता वहां से आई है जहां मात्र पुरुषों को आकर्षित करना ही उनका विषय था। और यदि आपका विषय भी वो है तो आप में और वेश्या में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये काम वेश्याओं के होते हैं, एक संभ्रांत घरेलू महिला के नहीं होते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि यदि एक आप घरेलू महिला हैं, सभ्य महिला हैं, तो आपको ऐसे कपड़े मात्र अपने पति के सामने पहनने चाहिए, क्योंकि या आपको सुंदर लगता है तो आप अपने आप को दिखाने के लिए पहनिए ना। आप दुनिया को दिखाएंगे तो दुनिया आपको उसी तरीके से देखेगी, यदि आप इस बात को समझते हैं। क्योंकि आप ये कहेंगे कि आप तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। मित्रों, मैं पुरानी बात नहीं कर रही हूं, मैं वर्तमान की ही बात कर रही हूं, क्योंकि वर्तमान समय ऐसा है कि जब हम कहते हैं कि छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप होता है तो उसमें कौन जिम्मेदार है। मित्रों, उसमें जिम्मेदार वो है जो इस तरीके से अपने तन को दिखाते तो हैं, लेकिन जिसमें हमारी फिल्म की कुछ नायिकाएं भी शामिल हैं, कुछ नहीं बहुत सारी हैं, जो तन को दिखाते तो है लेकिन वहां से उनकी वासना पूरी नहीं हो पाती। तो छोटी छोटी बच्चियां जिन पर किसी का उनका अपना बस नहीं चलता, उन पर इनका बस चलता है और वे उनको अपना शिकार बना लेते हैं। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ समझने जैसा है, बहुत कुछ सोचने जैसा। यदि आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कहां से क्या गंदगी भर रखी है। क्योंकि हम विज्ञापन देखते हैं ना, या आप ये क्रीम लगाई आप बैकलेस पहन पाएंगे। यदि आपने ऐसे शौक पाले, आप ऐसी क्रीम यूज करना चाहते हैं, आपने खर्चे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप फैशन के कपड़ों में भी खर्चे बढ़ाएंगे और हर जगह आप खर्चे बढ़ाएंगे। मित्रों, यदि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो मैंने ऊपर कपड़ा पहना हुआ है जिसको आप टॉप कहते हैं, क्योंकि मैंने नीचे जो पहना है वो कुछ मैं उसका नाम नहीं जानती, एप्रोन या कुछ लपेटा, मैं उसको लपेटा बोलती हूँ, उसको लपेट के पहना जाता है। तो इसका प्राइस अलग है, ये मैंने शायद 200 रुपए में लिया था, और ये कपड़ा लाके मैंने इसको खुद सिला है, ये कपड़ा लाके सब तैयार होके 60 रुपए में तैयार हो गया है। आप कहेंगे इतना सस्ता? हाँ, इतना सस्ता। मित्रों, खर्चे मात्र और मात्र फैशन में है।
खर्चे और कहीं नहीं है। यदि आप खर्चे बचाना चाहते हैं, यदि आप एक सभ्यता से रहना चाहते हैं, तो आप कुछ सही चीजों को अपनाइए। यदि आप सही चीजों को अपनाते हैं तो आप सही हो सकते हैं। हाँ, ये सिला है खुद मैंने, क्योंकि अपने कपड़े में खुद सिलती हूँ मैं। जितने आप ड्रेस मेरे को देखते हैं पहने, ऊपर कुर्ते में खुद सिलती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। ये मेरा शौक रहा था कभी, तो आज अपने उस शौक को भी पूरा करती हूँ। और यदि आपको कुछ समस्या आ रही है, तो हमारी बहुत सारी वीडियोस और हैं, हमने दिए हैं, समाज प्लेलिस्ट है, उसमें देखिएगा। इससे संबंधित और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, यदि आप उनको देखते हैं। और कुछ हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम दिया हुआ है, आपके रोग अनुसार आपको वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चुनिए, नियम पालन प्राणायाम करिए, अपने तन मन मस्तिष्क को सही करिए, और अपने समाज को उन्नत करने में समाज की और अपनी सहायता करिए। कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर डालिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।